बीए थर्ड ईयर यूनिट वाइज मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023। ये बीए थर्ड ईयर सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र से मॉडल क्वेश्चन निकाले हैं यूनिट वाइज, यहाँ से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करके दे सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन किस किस यूनिट से बन रहे हैं इसका अध्ययन कर लेते हैं, और इसका आंसर के लिए हम बुक भी आपको शेयर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, सुदूर संवेदन के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यदि ये नहीं आता है तो इसके अथवा में बन रहा है सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए, यानी कि अर्थ परिभाषा दोनों देना है, और साथ में सुदूर संवेदन की जो प्रक्रिया है ये पूछ देंगे, या तो ये नहीं पूछेंगे तो सुदूर संवेदन का अर्थ परिभाषा और सुदूर संवेदन की जो अवस्थाएं हैं इसको पूछ देंगे। इसकी अथवा में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है इसका वर्णन कीजिए, यदि इसको नहीं देंगे तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, विकिरण ऊर्जा की जो पृथ्वी के साथ और वातावरण के साथ अन्योन क्रिया है, उस आंसर को आपको इसमें बताना है। ये हो गया यूनिट फर्स्ट का, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का है। फिर सेकेंड यूनिट आता है, सेकेंड यूनिट में बन रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सुदूर संवेदन के प्रकार पर प्रकाश डालिए, यानी कि सुदूर संवेदन कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखना है। फिर सुदूर संवेदक के संवेदकों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बनने के बाद एक है सुदूर संवेदन के जो संवेदक है उसका वर्णन करना है इसमें आपको, जो संवेदक है वो दो प्रकार का दिया हुआ है उसमें संवेदक, उसका वर्णन आपको करना है। फिर है विभेदन क्या है, विभेदन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, यदि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये विभेदन वाला क्वेश्चन आएगा, और विभेदन वाला क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन संभावित है जिसमें वायु फोटोग्राफी क्या है या हवाई फोटोग्राफी किसे कहते हैं, अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म को समझाइए। आपको सिंपली हवाई फोटोग्राफी या वायु फोटोग्राफी के बारे में एक पेज लिखना है, इसके बाद अंतरिक्ष फोटो जो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है उसकी पॉइंट वार व्याख्या कर देना है। ये इतना संभावित है इसमें, इससे आगे क्वेश्चन आएगा ही नहीं इसमें। फिर अगला जो यूनिट है उसमें क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का यूनिट 3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुदूर संवेदन जो उपग्रह है उसके विकास पर आपको निबंध लिखना है, या उसके इतिहास पर निबंध लिखिए करके आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है वो है सुदूर संवेदन की जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है उसकी उपयोगिता या महत्व, ये तीनों पॉइंट एक ही है, सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग पूछेंगे या इसकी उपयोगिता पूछेंगे या महत्व पूछेंगे, तो तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों का एक ही टॉपिक है, यानी कि इसी का आंसर आपको लिखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका, भौतिक क्षेत्र में, मानवीय क्षेत्र में, जैसे कि वन संसाधन, खनिज संसाधन, इनकी प्रबंधन वगैरह में, ये सभी इसका अनुप्रयोग है, तो इसको आप लोग बता देंगे। फिर है तीसरा, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा यदि ये दोनों नहीं आते हैं तो, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में सुदूर संवेदन तकनीक का अनुप्रयोग, यानी कि ये एक एक करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मिट्टी संसाधन के संरक्षण के लिए सुदूर संवेदन तकनीक के अनुप्रयोग को समझाइए, इस प्रकार से सेपरेट आएगा, या जल संसाधन के संरक्षण के लिए सुदूर संवेदन की तकनीक का अनुप्रयोग कीजिए, या वन संसाधन के संरक्षण के लिए या वन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन तकनीक का अनुप्रयोग को समझाइए, या खनिज का सेपरेट पूछ देंगे, या पर्यावरण का, यानी कि इसमें यहाँ तक के इस क्वेश्चन को उठाएंगे, ये सुदूर संवेदन के इतना को उठाएंगे और इसमें से कोई एक टॉपिक को इसमें फर्स्ट में जोड़ देंगे, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है, तो ये सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, तो इन सभी टॉपिक से संबंधित इसका आंसर अध्ययन कर लेंगे। फिर अगला जो यूनिट बनता है इसमें है फोर यूनिट, फोर यूनिट में है भौगोलिक सूचना प्रणाली में आंकड़ा प्रबंधन की जो विधियां हैं उसको समन्वित करने की जो विधियां हैं उसका वर्णन करना है आपको। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है, जिसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसकी जो संकल्पनाएं, जितने भी अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उसका आपको वर्णन करना है। फिर इसके अनुरूप एक और क्वेश्चन बन जाता है GIS, इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो GIS का व्यवहारिक अनुप्रयोग और सुदूर संवेदन का व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये दोनों का क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें, जो रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन लिखा है उसको काट करके आपको GIS लिखना है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हो गया यूनिट 4 का। फिर यूनिट 5 का आता है, तो यूनिट 5 में आपका दो ही क्वेश्चन बना है बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, एक है रास्टर एवं जो वेक्टर मॉडल है उसका विस्तार से आपको व्याख्या करना है, या आंकड़ा मॉडल की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यदि आंकड़ा मॉडल का विस्तार से व्याख्या कीजिए इसको अध्ययन कर लिए तो इसका आंसर आपका आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ही ये रास्टर और वेक्टर मॉडल है, और यहाँ से बाहर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं है।
दो साल इसको रिपीट कर चुके हैं, 23-22 में भी रिपीट किया, 23 में भी, और 21 में तो इसको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दें, यानी कि अलग अलग से पूछ देते हैं, इससे बाहर नहीं करेंगे। तो ये हो गया बीए थर्ड ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर उस बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगी। आज के लिए